एक बार फिर से यह भजन जिक्री प्रोग्राम किया जा रहा है। शहीद माननीय श्री राजेंद्र सिंह जी गुर्जर साहब, उनके चरणों में नतमस्तक होते हुए रिकॉर्डिंग करता है देवेंद्र भैया उड़िया कठुमर से। गोलक पर संगति दे रहे हैं रामवीर तूफानी नसवाड़ा से, और पैर की झनकार सुना रहे हैं वही देवेंद्र देशवाल कठुमर निवासी। सुनिए आपके प्रोग्राम में विद्वानों हर गवैया नौ लेते डेला है। शांति से सुने, आपको आनंद जरूर आएगा। विद्वानों कंठ पे तुमा सरस्वती और धरू तुम्हारी ध्यान, श्री राजन सिंह सतगुरु मिले दे गए मोको ज्ञान। बंधुओं, जब भी इंसान परमात्मा के यहां से आता है ये कई बात आए करके आवे दीना ना, एक बार वो पृथ्वी भेज के तो देख, मैं तेरो ही भजन करूंगो तेरो ही गुणगान करूंगो मात्र एक बार। जो कि जीव ने कहा वही परमात्मा ने किया, जीव को जन्म दे दिया। और जीव जब यौवन अवस्था में आवे, जब जवानी आवे, तो ना तो वो परमात्मा माने और ना का छोटे बड़े माने। जो कुछ हूं वो मैं हूं, लेकिन कवि ने चेताया है वास्तविक मनुष्य का धर्म क्या है। आइए कहा है कैसे? अंकुश से मन को मारना, इस मस्त गज के रोकने में तू सफल हो जाएगा। ये अक्षर अक्षर सत्य है, समान जग में पाएगा। गुरुजी राम राम। शरण चल प्रेम से तो कर देंगे बेड़ा पार। जीवन का सबसे बड़ा सत्य मात्र एक मौत है बंधुओं, क्योंकि जिस प्राणी ने जन्म लिया है उसको एक दिन मरना बहुत जरूरी है, इसी माटी में मिलना है। लेकिन आजकल कोई ना सोचा यहां मिल लो को ना मिल लो, जब सवेरे ही सवेरे जब अपना मुंह दर्पण में देखे तो यही विचारे करे कि मोते ज्यादा सुनसरिया संसार में है। लेकिन कभी चेतावनी देते हैं कैसे, और सुंदर काया और गोरी सी एक दिन जलेगा जैसे और होरी सी, और तू मत ना और तू मत ना करे गुमा उमरिया Hey!
आइए बुजुर्गों, ऐसी कोई कथा नहीं जो कि मेरे विद्वान श्रोताओं ने दो चार बार अपने श्रवणों से नहीं सुना हो, लेकिन हर गवैया को तरीका व ढंग अलग अलग होता है। विद्वानों सुनेंगे, प्रसंग रहेगा सुधर्मा व अर्जुन युद्ध। महाभारत समाप्त हो गया और पांचों पांडव बैठे हुए हैं। बैठे पंडित कुमार यज्ञ की सलाह बनाई और श्री कृष्ण बलराम पास में लिए घुमाई, दीनी यज्ञ रचा और घोड़ा दियो छोड़ के बू चंपकपुर पहुंचो, पकड़ लियो नृप हंस ध्वज में और मन में खुशी मनाए। पांचों पांडवों ने एक यज्ञ रचाई और घोड़ा छोड़ दियो, बाकी नार में पत्रिका लटका दी कि जो कोई यह घोड़ा पकड़ेगा वो लड़बे को मरबे को तैयार। और घोड़ा जा पहुंचा चंपकपुर नगरी के राजा हंसध्वज के यहां और घोड़े को पकड़ लिया। विद्वानों वही सुधर्मा था। सुधर्मा ने कहा, पिताजी इस घोड़े को इसी नगर में ही रखेंगे क्योंकि घोड़ा बड़ा ही सुंदर है। और लेकिन जब राजा ने पत्रिका पढ़ी तो कहवे लगा, भन बेटे हम इस घोड़े को नहीं रख सकते। क्यों पिताजी, ऐसा कारण क्या है? भन बेटा यह पत्रिका में साफ साफ लिख रही है कि जो कोई यह घोड़ा पकड़ेगा वो लड़वे को मरवे को तैयार है जाए। और बेटा ये अर्जुन को घोड़ा हम नहीं रखेंगे, ये कई बाण में हमारी जाने निकार देगो। नन्ना सा बालक कहवे लगो, पिताजी उसे अर्जुन की बात कर रहे हो जिसके सेम सारथी मुरलीधर कन्हैया है? हाँ बेटा वही। क्या तूने कभी दर्शन किए? पिताजी मैंने तो नहीं किए, लेकिन यह मेरा वादा है मैं आपको दर्शन जरूर करा दूंगा। अर्जुन ही आएगा ना घोड़ा छुड़ाने? हाँ बेटा, तो कन्हैया स्वयं आएंगे। बंधुआ आज नन्ना सा बालक और अपने पिता थे जवाब दे रहा हूं कैसे। नाथ चरणन में यही लाभ सामने वो अर्जुन और पिता देख रहो मैं छोटी सी उम्र में ही कहा बात कर रहा हूं। और बंधुओं यह हमारे
किया। पिताजी डरने की कोई बात नहीं, इस घोड़े को अपने नगर में ही रखेंगे और यह मेरा वादा है। और गांडीवधारी अर्जुन यहाँ के घोड़ा है, खोल के बताओ। बंधुओं पिता बड़ा ही आश्चर्यजनक में रह गया, बनिया की थोड़ी सी उम्र है और ऐलान दे रो पांडवन को। लेकिन सुने आज हुआ क्या है, और अंग जो लड़े लड़ाई और भक्ति को ठेके, अरे तारे भैया एक लाए कम। जब घोड़ा वापस नहीं गया, गांडीवधारी अर्जुन को मालूम हुआ कि घोड़ा राजा हंसध्वज के यहाँ है। आदि सेना को सजाया, आ गया नगर में और आवाज लगाई, राजा तेरी देख हिम्मत, हमारे घोड़ा पकड़े। आह बंधुओ हुआ क्या, बाज मेरो पकड़ कैसे ली। ए राजा जब तेरे अंदर शक्ति नहीं है लड़ने की, तो तेरी देख हिम्मत कि तू मेरे घोड़ा पकड़े। आहा अब मैं घोड़ा ऐसे नहीं ले जाऊंगा, घोड़ा जाएगा तो संग्राम करने के बाद ही जाएगा। और बंधुओं ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे आदरणीय चाचा विजेंद्र जी देते हैं, बार बार धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करेंगे। अंत समय पे आई बेटा, यही याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। बंधुओं आज गांडीवधारी अर्जुन ने कहा, ए राजा घोड़ा ऐसे नहीं जाएगा, अब मैं बताऊंगा घोड़ा कैसे जाएगा। पर बंधुओं आगे हुआ क्या है, बड़े बड़े योद्धा हमारे।
हम द्रोण करण संघारे। राजा द्रोण गुरु को नाम सुने होगा, जब भाई की केस ना पड़ी तो तू है कौन मेरे सामने, और बंधुआ क्या कहा। द्रोण करण संहारे। अब नन्ना सा बालक सामने आ गया सुधनवा। ए अर्जुन, तोते कहे गांडी धारी अर्जुन, अब तू मेरी सुन, तेरी हिम्मत देखूं, तू यहां पे घोड़ा खोल के बता। सुन और क्या कहा। नन्ना सा बालक और गांडी धारी अर्जुन ते कह रहा हूं, और तारो टूटेगा, और टूटेगा, और तू कर ले कितना उजो। ए अर्जुन, और तू कर ले कितना उजो, के भोला नाही बीकानेर वाले देते हैं। हाँ जी, बार बार धन्यवाद। और कहा से बालक ने कहा, अर्जुन तेरी ताकत देखूं मैं, और तू घोड़ा यहां पे घोल के बता। आज देखिए बच्चे के जब इतने शब्द सुने, गांडीधारी अर्जुन क्रोध में आ गया, और देखो अर्जुन ने किया क्या।